रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाए पास। नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपको मिलवाने जा रहे हैं देश की एक बहुत ही जानी मानी एंकर से, जिसका नाम है प्राची सैनी, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करने के साथ साथ सलमान को भी इंटरव्यू कर चुकी हैं। और लुधियाना के लिए ये फखर और मान की बात है कि आज वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज में आपके सामने है प्राची। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी दास्तान कि कैसे कैसे आप एंकर बनी, कैसे शौक जगा, क्योंकि एंकरिंग एक सबसे बड़ा प्रोफेशन होता है, क्योंकि एक एंकर ही सामने वाले को डूबते हुए समुन्दर से बाहर निकाल के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर आसमान से उसको डुबा सकता है, दोनों में से एक चीज। तो कैसे आप इस प्रोफेशन में पहुंची? पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार भरी स्वागत है कि इनके चैनल में। मेरे को बहुत खुशी है कि आज आप मुझे यहाँ रिकग्निशन के लिए लेके आए हैं। एंकरिंग मुझे बोलने का शौक था बहुत ज़्यादा। मेरे मॉम मेरे को बहुत फोर्स करते थे कि तुम्हें बोलना चाहिए। मतलब क्लास LKG से ही मैं बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देती थी। मेरे को एक अंदर पैशन था कि मुझे बोलना है। फिर आते आते पढ़ाई का बर्डन हो जाता है कि बंदे का इंटरेस्ट कहीं पीछे रह जाता है, पर बाय गॉड्स ग्रेस आगे जाके कॉलेज में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दोबारा मिला। मैं कॉलेज में एंकरिंग करती थी, वो भी पूरी खुल के नहीं, बस मुझे बोलने का शौक था, डिबेट कॉम्पिटिशन। कौन से कॉलेज में थे आप? SD कॉलेज चंडीगढ़। ओके, काफी रेनाउंड है। हाँ जी, तो कोई भी सोशल टॉपिक्स में मैं बहुत डिबेट करती थी, MUNs हो गए या कुछ और सोशल टॉपिक्स में, डिबेट करने का बहुत शौक होता था। वहां एक ऐसे ही किसी डिबेट पे किसी ने देखा था और फिर कहीं ना कहीं से कुछ बात बनी थी, अप्रोच किया गया था कि आप ये चैनल को करेंगे। उस टाइम थोड़ा मैं अपने आप को लेके अनश्योर थी, बट जैसे बाय मेरे जो बॉस हैं, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव मैन, ही इज़ वेरी, मतलब उनको बहुत आदत है दूसरे बच्चों को आगे फोर्स करने की। तो बाय हिज हेल्प एंड गॉड्स ग्रेस ये बातें आगे बढ़ी। सीखा स्टार्टिंग में कुछ 5 मार्च 2018 में मैंने शुरू किया था जी। और अभी 5th को ये 1 साल भी हो जाएगा। तो मतलब इस 1 साल की जर्नी में इतना सीखा है और अब देर इज नो सेलिब्रिटी पंजाबी इंडस्ट्री में जिसको आई डोंट थिंक मैंने इंटरव्यू नहीं किया और जिन जो बाय फेस नहीं जानते, क्योंकि इंटरव्यू करते करते एक सबसे एक अपना आप अपना एक लेवल बना लिया कि टचवुड अब सब साथ में बहुत प्यार से मिलते हैं, सब एक जानते हैं बाय फेस। तो जर्नी अब पहुंच गई है। ये बहुत मुश्किल है प्राची जी की, 1 साल में आप इतनी हाइट तक पहुंची। तो रोज कितने घंटे आपको काम करना पड़ता था इसके लिए? रोज कितने घंटे आप मत पूछिए। घंटों का ऐसा सच कुछ नहीं। देखिए होता क्या है, वहां पे हमें बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, कहीं अनाउंसमेंट्स होती है, कहीं कुछ होता है, तो टाइम लग जाता है। कभी कभी रात को लेट भी आते हैं। बस ये है कि पैशन है, थकना नहीं है। और कई बार ऐसा होता है जिस काम को बहुत प्यार करते हैं ना, जिसको आपको लगाव होता है, आपको पता ही नहीं लगता कितना टाइम निकल गया, पता ही नहीं लगता। तो क्या कोई खास तैयारी करनी पड़ती है जब आप एक शो को एंकर करने के लिए जा रही है या सीधा एक्सटेम्पोर? अगर मैं झूठ ना बोलूं तो अभी थोड़ा टाइम तो मैं एक्सटेम्पोर ही कर रही हूँ। बस ये होता है अपनी जनरल नॉलेज स्ट्रांग रखनी चाहिए कि आगे से अगर स्टार आपके सामने बैठा है ना, तो जैसे कि रिसेंटली मेरी नीरू बाजवा के साथ इंटरव्यू थी, शी हैज कम इन द इंडस्ट्री बहुत टाइम बाद आफ्टर हर मैरिज और उनके बच्चों के बाद। तो मतलब मैंने सिर्फ 5 मिनट की इंटरव्यू की थी और उसमें ही अगर आप देखेंगे वो इंटरव्यू, शी इज सो इम्प्रेस्ड। मतलब कि शी सेड मी, कहती यू आर द ओनली जर्नलिस्ट जिसकी रिसर्च आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ ना भी आता हो ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहिए स्टार्स के बारे में। सही बात है। वरना आगे वाला स्टार भी आपको नॉर्मल जर्नलिस्ट समझ के ऐसे बोल देगा ठीक है जाइए। एक इम्प्रेशन छोड़ना है तो हल्की तैयारी तो रखनी ही पड़ती है। बहुत बढ़िया। और कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं कि जब आपने किसी को स्टार को एंकर किया तो वो एक वहाँ की एंकरिंग या वहाँ की इंटरव्यू आपके लिए एक यादगार बन गई हो? ऐसे फिलहाल काफी लम्हे रहे हैं। बब्बू मान जी की इंटरव्यू थी जी, और उस इंटरव्यू वो बब्बू मान जी हमारे पंजाब की बहुत ही बड़ी शान है जी। तो उनकी इंटरव्यू में एक ऐसा कुछ हुआ था कि उनके इंटरव्यू ले नहीं सकते थे क्योंकि उस टाइम बहुत लोग थे। मैं उनकी इंटरव्यू लेके बाहर आई थी तो इतना रश हो चुका था
कि मतलब चलने की जगह नहीं थी, और अचानक से जब बब्बू मान जी अपने मतलब प्रीमियर था उनकी मूवी का रिसेंटली बंजारा आई है, तो बहुत रश हो गया था, निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरे को धक्का पड़ा और बब्बू मान जी ने दूर से देख लिया कि इसको धक्का पड़ा है, टचवुड आई डोंट नो उनको मेरा नाम भी पता था, उन्होंने मुझे वहीं से बुलाया और उनके उन्होंने प्रीमियर में मुझे साथ बैठा के मूवी दिखाई कि दिखाओ वो। तब उस दिन ऐसा फील हुआ कि आई कॉल्ड माय मॉम एंड मम्मा को कॉल किया, उन्होंने बोला मम्मा आज मैंने कुछ एस्टैब्लिश कर लिया कि मुझे इतना बड़ा स्टार एक भीड़ में से, और उस दिन सच्ची बहुत भीड़ हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि बब्बू मान जी की फॉलोइंग भी बहुत है। और भी कुछ ऐसे पल रहे हैं जिनको देख के लाइफ में ऐसा लगा है कि आज कुछ आपने कर लिया है, उसके बाद और मोटिवेशन ही मिलती आई है। देखो एक चीज है कि एंकर जो होता है ना वो खुद ही एक स्टार होता है, क्योंकि वो स्टार को इंट्रोड्यूस कराता है, अगर उसकी इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी तो जो स्टार है वो फेड हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया है। इससे पहले कि कुछ और बातें आपके बारे जाने, आपके बचपन की बातें करें, कॉलेज की बातें करें, उससे पहले कुछ हम दर्शकों को फोटोज दिखाना चाहेंगे, कुछ सीन दिखाना चाहेंगे जिनमें आपने पार्टिसिपेट करके फंक्शंस में अपने माँ बाप और शहर का नाम रोशन किया, आइए देखते हैं। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। कोई बदलाव नहीं आया, he's just gotten better, but कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, and गबरू सी काका जी कित्थों बन गए, काका जी टाइटल कित्थों पै गया? देखो जी मुछ फुट गबरू एक वखरी गल आ, काका एक दो तीन बार ऐसा ही कहो ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਰੋਮਾਂਸ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਬਟ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਆਜ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ
प्राची सैनी जो बहुत अच्छी एंकर है और इस टाइम तो पूरे उत्तरी भारत में क्या पूरे भारत में ही छाई हुई है। प्राची एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो अब बात करते हैं बचपन की। आप वैसे तो शक्ल से थोड़ी सी नटखट लग रही हैं, क्या बचपन में भी आप एंकरिंग का शौक था या कुछ शरारतें या कुछ घर में बैठ के ड्रामेबाजी चलती थी? बहुत चलती थी घर पे। मुझे एंकरिंग के साथ साथ मॉडलिंग का शौक था। मैं अभी भी मॉडलिंग करती हूँ। मैं कॉलेज के काफी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट भी जीती हूँ। एंकरिंग का इफेक्ट था कि मेरे मम्मा, मेरे मॉम, मतलब मैं आज करियर में जो भी हूँ अपनी मम्मा की वजह से हूँ। मेरे मम्मा को बहुत शौक था कि ये बोले जी। कोई मुझे रोकता था ना, वो मुझे इतनी लंबी लंबी, मतलब आप कहें सेकेंड या LKG का बच्चा क्या ही होता है इतनी लंबी स्पीच देने के लिए, वो मेरे को रात रात तक जगा के और मुझको शीशे के सामने खड़ा कर देती थी कि बोलो, लर्न करो। वहीं से मैं बोलती रहती थी, बस मैं बोलती रहती थी। और शरारतें तो बहुत की हैं, बहुत ज्यादा। अब कभी कोई शरारत याद हो या जिसके कारण खिंचाई हुई हो या मार पड़ी हो? अच्छा, शरारत मैं छोटे होते बहुत करती थी। मेरे मम्मा और पापा वो लाते थे घर पे, ऐसा बताते हैं मुझे वो, कि हम घर पे फ्रूट्स लाते थे और तुम जाके सारे फ्लश में फेंक देते थे। माय गॉड। कैमरा लाए थे वो नया नया। okay. उस टाइम पे बहुत महंगा था, 8-9,000 का कैमरा 2000s में। कहते हम लाए थे और तुमने क्या किया, रात को लाइट गई, हमने कैंडल रखी, तुमने उसके ऊपर कैंडल रख के उसको जला दिया। तो ऐसी शरारतें बताते हैं मुझे। बाकी उसके बाद बड़े होके टचवुड पेरेंट्स को पढ़ाई का बहुत वो था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब फिर पढ़ाई की शरारतें होती थी। आज सच कोई शरारत रही नहीं फिर, क्योंकि लड़कियों का तो बस पढ़ाई में डाल देते हैं बड़े होकर। तो आप अभी साथ साथ स्टडीज भी कर रहे हो? हाँ, और साथ साथ एंकरिंग भी कर रहे हो? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ साथ साथ। क्या बात है, वेरी गुड। तो आगे फिर आपका क्या बनने का प्लान है? आप मेडिकल स्टूडेंट हो जैसे, तो क्या आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे या फिर एंकर बनोगे? मेडिकल में मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ अभी। okay. तो सी आप अपने अगर पैशन, एक मेरी लाइफ का ये कहना है कि अगर कोई जॉब है ना तो वैसी होनी चाहिए कि आप रोज सुबह उठो आपका दिल करे जाने का। क्योंकि मैं अभी अपने अपने साथ में लोगों को देखती हूँ, अपने से बड़ों को देखती हूँ, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ में खपे पड़े हैं, मतलब वो बुरी तरह ना फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, अके हुए हैं कि यार क्यों जॉब पे जा रहे हैं। तो मेरी ये थिंकिंग है कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो ना तो कुछ ऐसा हो कि आपका दिल करे, पैशन हो जाने का जी। तो माइक्रोबायोलॉजी में टचवुड आए, मैं लास्ट टाइम मेरे हाईएस्ट नंबर भी आए थे, वेरी गुड। तो और स्कूल में भी इट वाज अ गुड रिजल्ट, ठीक था। तो मेरा अब मोस्टली आई विल आफ्टर, मैं थर्ड ईयर में ही एक बहुत बड़े चैनल के साथ रिकॉग्नाइज, मतलब आई एम प्लानिंग टू टाई अप। तो उसके बाद थर्ड ईयर के बाद आई थिंक मैं इसी फील्ड में सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में ही आगे जाऊंगी। वेरी गुड। सो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। तो आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जिनको ये होता है कि बस मेहनत ना करें, रातों रात या तो करोड़पति बन जाए या फिर रातों रात मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाए, उनके लिए क्या कहेंगी? मैं जितने भी यूथ मेरे को देख रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, बस एक दो मिनट की बात कहना चाहूंगी। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करनी थी विद माई चैनल और विद एज एन एंकर, तो बहुत साइड से लोग आते हैं जो आपको रोकते हैं। जब आप काम करने भी जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि छोड़ यार आज पार्टी करते हैं, आज कुछ करते हैं। बट उस टाइम अगर आप अपने आप को ट्यून कर लो ना फाइन, या जब हमारे पेरेंट्स रोक रहे हो, आज मैंने एक चीज रियलाइज की है कि जब पेरेंट्स रोकते हैं ना तो उस रोकने का फल आज मैं भुगत रही हूँ, कि मतलब कहीं ना कहीं वो मैं भुगत रही हूँ। और अगर मैं अपने यूथ को यही कहना चाहूंगी, आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है, तो अगर इतनी सी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, प्लीज उसको पकड़िए, क्योंकि आपसे ऊपर एक और स्कॉलर बैठा है जो उसकी नजर में है। तो अगर भगवान आपकी डॉक कर रहा है आपके डोर पे आके, तो उसको जरूर पकड़िए। और आजकल के यूथ में ड्रग्स, नशे, ड्रिंक, अल्कोहल और पार्टीज बहुत ज्यादा है, वो सब करिए, बट करियर पे ना स्टेक लाइए। क्योंकि थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन खत्म होते ही बच्चों को पता ही नहीं होता अब क्या करना है, उस चीज का थोड़ा तो पार्टीज करिए, लेकिन ये नशों से दूर रहिए, नशों से दूर। क्योंकि एक बार आप नशे में पड़ गए या वैसी अगर आपको वो संगत मिल गई, फिर बचना पेरेंट्स क्यों कब तक बचा लेंगे, क्योंकि बाहर जाके आप जो करते हैं वो आपको पता, और अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो आपको अभी पता है आपके अंदर क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं। बस अपने पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट के साथ बहुत फ्रैंक रहिए, मैं अपनी मॉम के साथ बहुत फ्रैंक हूँ, बहुत फ्रैंक रहिए, और भगवान और प्लीज प्रे कीजिए। दिन में एक बार प्रे करोगे ना अपनी अच्छी लाइफ के लिए, वो आपको अंदर ही पॉजिटिविटी देगा। तो अपॉर्चुनिटीज मिस ना कीजिए, क्योंकि भगवान बार बार आके नहीं करता। और पढ़िए, बट अपने पैशन को भी आगे देखिए, क्योंकि आजकल तो जिंदगी एडवांस्ड है, आजकल टाइम इतना एडवांस्ड है कि पैशन को भी पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं यही बोलूंगी, पैशन को फॉलो कीजिए और अपने पेरेंट्स की जरूर सुनिए, वो बिल्कुल सही कहते हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। बहुत बढ़िया आपने बातें बताई। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं,
या जितने भी वो यंगस्टर्स जिन्होंने आज पहली बार आपको देखा है, तो निश्चित रूप में अपने लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को आज से जरूर चेंज करेंगे और प्राची सैनी की तरह बनने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आपने बहुत हमें आज वक्त दिया, वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियो पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सारे वॉइस ऑफ एशियंस देख रहे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा थैंक यू, और प्लीज इनका चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अभी प्राची जी को हम नवग्रह दिव्या वनस्पति दल भेंट कर रहे हैं और इनके बहुत अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं इनको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो प्रिया दर्शको, आप बताइएगा कि आपको आज की ये इंटरव्यू कैसी लगी, और आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। रोजा।